सरहद किसी इलाज देख रहे सारे दर्शकों को मैं अमृत सेवा लैके आया फाजिलका के सरकारी हॉस्पिटल में जिथे पहुंचे ने एम एल नरेंद्रपाल सिंह सरना जो कि बाढ़ के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई दसी जा रही है। किसी के बचाव लिए वह परसन जा रहा है लेकिन खुद पैर फिसलन कारण वह सड़क के किनारे डूंगे इलाके डुब गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एम एल ए नरेंद्रपाल सिंह सवना तो मार्केट कमेटी चेयरमैन परमजीत सिंह नूर शाह परिवार नाल दुख साझा करने लिए पहुंचे ने। आस पास पानी बहुत बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया साढ़े घर बाकी प्रशासन की बेड़िया ने तो वह भी कोई नहीं सारा दिन कहते काम किया दिन काम किया मुझे सारा दिन काम किया चलो दो किले वाट है किन्नी कोई गल संभालांगी उन्हां दे बच्चियां नूं कारोबार तो हूं है नहीं सानू पता नहीं कित्थे लैके जाना बेनती है सानू सवेरे जल्दी कोशिश करो जी बच्चा दे मुंह नूं देख लवाना अगे करो बेकार बैठे हाँ जी रुले बैठे कोई रहन टिकाणा नहीं उस ते जावांगे पिछे कर दो पिछे किसी ड्यूटी ला दे बयान हुण लै लैण ते पोस्टमार्टम सवेरे करा हो जाएगा टाइम किहदी ड्यूटी लाऊंगे जगराज दी ड्यूटी लाओ हुणे हॉस्पिटल आ जाए कागज पूरे कर ले तो सवेरे टाइम ना पोस्टमार्टम करवा दे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली सारा पानी
आवाज आई स्पीकर लगा हुआ एक बहुत ही दुख भरा हादसा पेश आया है। बाढ़ के पानी डुबन नाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिहड़ा कि किसी की मदद लई पिंड वासियों की मदद लई बचाव कार्यों में लगा हुआ सी, उनकी पानी में डुबन कारण मौत हो गई है। डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है ते परिवार को हौसला देने लई फाजिलका के MLA BDPO प्यार सिंह इत्थे पहुंचे ने, उन्हां वल्लों हौसला अफजाई की जा रही है। उन्हां नूं हौसला दिता जा रहा है कि एक भाणा वरत्या है जो अपना टाणी मोहना राम के नज़दीक जो इतने टाणिया खेतों के जो है उसको पिंड वाले अंदर आ रहे थे तो उत्थे सड़क तो पैर फुसलन करके जिहड़ा पानी के डिग गए, मौत हो गई है। बॉडी हॉस्पिटल परिवार नाल दुख सांझा किया है। लोगों लिए आ रहे थे हेल्प करने लिए, लोगों को किसी चीज़ क्योंकि वो दुध का काम करते घरों कह के गए ने, मैं देख के आना किसी को दुध की लोड़ होएगी तो मैं पूछ के आना कि दुध चाहिए। जो परिवार वाले दस रहे हैं दुध का पता लैन आ रहा कि सेवा दे ली, मैं दुध दे के आना तो पता रस्ते पैर फिसल गया, पानी बहुत ज़्यादा से जिम्मे सूँ पता ही है तो चार चार फुट सड़कों तो भी उपर पानी है तो सड़क तो नीचे डिगन कारण खेतों के पानी के डुबन कारण ML साहब वड्डा सवाल जिहड़ा प्रशासन के जिहड़े दावियां दे उत्ते लग रहा है क्योंकि जिहड़े बंदे नूं बाहर लिया गया पानी तो कढ़िया गया, एंबूलेंस की सर्विस नहीं मिली, BDPO अपनी गड्डी के अंदर इन्हां नूं लैके आए, कोई सहायता जल्दी नहीं मिल सकी, किदां देखदे हो? मौके पर BDPO साहब की ड्यूटी उत्थे सी, इह कॉल सीगे, हुण एंबूलेंस आउण नूं थोड़ा टाइम लगना सी तां BDPO साहब की मैं समझदा समझदारी इन्हां ने अपनी गड्डी दे विच लैके आए ने, पर उन्हां दी किस्मत हार गई कह दिए परमात्मा वालों, उन्हां दी इन्नी कोई जो सवास लिखे सी और जो ये हादसा होया परिवार नाल दुख सांझा कीता है। पिंडां दे लोग लगातार जिहड़ा बेड़ियां दी मंग कर रहे ने क्योंकि पानी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, इलाके दे अंदर आन जाना भी जिहड़ा औखा हो गया। बेड़ियां हुण इत्थे NDRF वालियां जिहड़ियां मोटर बोट्स ने उही उत्थे काम कर रहियां ने, उन्होंने अलावा दूसरिया जिहड़ियां बेड़ियां ने वह पानी ज़्यादा होने कारण वह उत्थे ज़्यादा चल नहीं सकती। जिस तरीके हालात ने उस तरीके टीमों के वाधा किया जाएगा? हाँ टीमों के वाधा किया गया जी, 3 टीम लगाई गई NDRF दियाँ, एक साडा आ गया मोहार जमशेर वाली साइड और एक आ गया माधव नगर वाली साइड, एक आ गया अपना नूरशाह वाली साइड, उत्थे टीम सारिया बुलाई गई ने और मोटर बोट्स के राही अज भी जोड़े बहुत सारे जोड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया। हूँ ही मैं उत्थों सीधा आ रहा जिमें प्रैगनेंट लेडी का पता चलिया से उन्होंने लैके आए, इस तरह जिमें रेते वाली पैनी है, टाणी सद्दा सिंह है, अपना चंगड़ पैनी है, तेजा रहेला, दोना नानका जो पुल के उस पार पेंदे ने जिन्हों का अपना कनैक्ट टुट चुका है, उन्होंने सारे लिए अज उ बहुत ज़्यादा जोड़ा काम NDRF ने किया है, बहुत व्डे पद्धर से जो लोगों बजुर्गों लेडीज़ न बच्चों लैके आए हैं। सो इधर भी जिथे जिथे लोड़ पई है सारे ML साहब पिछले 2 दिन तो असं उ जा रहे हैं, लगातार मीडिया से भी आ रहे हैं तो उसे कोई एंबूलेंस नहीं दिखाई दे रही है, की लगता है भी सिविल हॉस्पिटल तो एंबूलेंस होनी चाहिए सी? देखो नाल ही जो राहत केंद्र बने हुए हैं बिल्कुल नाल ने, उ सारा ये अरेंजमेंट हैगा, जिथे लोड़ पैंदी है एंबूलेंस की उत्थे नाल दी नाल पहुँच जाती है, पर जिथे आप कह दिए हूँ इलाका बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा एरिया है, आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं और साढ़े जिथे हादसा होया BDPO साहब मौके पर से और उन्होंने मौके पर जी सियाणप की आपकी गड्डी के लैके आ गए। हुण तक किन्ने बंदे रेस्क्यू किया जा चुका है जी अपने इलाके के अंदर?
तकरीबन सुबह तो लैके रात तक 200 तो वध जिहड़ा मैं समझदा लेडीज ने बजुर्ग ने कोई बीमार ने बच्चे ने उन्होंने रेस्क्यू किया जा चुका। परिवार को फौरी तौर पर की राहत प्रदान की जाएगी? परिवार को जो कार्रवाई पुलिस की है या होस्पिटल वाले की है पोस्टमार्टम की, उस तो बाद जो सरकार वालों किसी भी इस तरह हादसे के जो कोई अचानक दर्दनाक ज कोई हादसा होंगे मौत होंगी है तो सरकार वालों उन्होंने जोड़ा हड़ के जो परिवार को पिछले मदद दी जाती वो दी जाती। देख सकते हो कि फाजिलका होस्पिटल के डेड बॉडी लिया गई है जिड़ी कि एक परसन दूजा की मदद कर रहा है, उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के जुटा हुआ है, लोगों को बाढ़ के एरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, उतो एक शख्स की मौत हुई दसी जा रही है जिड़ा कि पानी में संभल नहीं सकया तो डुबन नाल उनकी मौत हो गई। MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना तो BDPO प्यार सिंह उन्होंने परिवार का दुख साझा करने इतने पहुँचे हुए हैं। तुम देख सकते हो कि परिवार पर एक तरीके दुखा का पहाड़ टुट पाया है, क्योंकि परिवार के एक नाबालिग बच्चा तो एक छोटी बच्ची है, उन्होंने एक तरीके का प्यो का साया उन्हें सिर तो उपरों उठ चुका है। सिविल हॉस्पिटल तो तुम देख रहे हो एक डेड बॉडी लिया गई है जी कि बाढ़ के राहत कार्य करते हुए एक व्यक्ति की मौत हुई है, किस्मत हार गई दसी जा रही है क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी थी, लोगों को रेस्क्यू करके बाहर कढ़िया जा चुका सीगा, ये शख्स उन्होंने लोगों की सेवा में जुटिया हुआ सीगा, उनके बावजूद आखिरकार ये अपनी जिंदगी की जंग हार गया, डुबन के कारण इस शख्स की मौत हो गई है। नौजवान ही दसिया जा रहा है, बहुत घट उम्र का सीगा जिदी मौत हुई है। चेयरमैन मार्केट कमेटी परमजीत सिंह नूर शाह वालों भी उन्होंने जरा परिवार का हौसला अफजाई की जा हौसला बताया जा रहा है, उसनों संतावना दी जा रही है कि रब का पाना सी हो गया, हुण परिवार को अगे की मदद की जा सकती है इहदे वास्ते प्रशासन वालों भी MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना वालों भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तुसीं देखिया होगा कि MLA सवना जी वालों उस परिवार का ढाडस बताया गया है, तो नाल ही जिहड़ी कानूनी कार्रवाई होनी है मिट्टी सौंपन की जिहड़ी पार्थिव देह है उस सौंपन की जिहड़ी कार्रवाई होनी है उस कार्रवाई नूं जल्द तो जल्द निपटाने के आदेश होस्पिटल प्रशासन नूं दिए गए ने। परिवार वालों दसया जा रहा है कि उनका घर परिवार तो पहले ही डूब चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अपने नाल नाल वो दूजे की मदद कर रहा सीगा शख्स लेकिन खुद जिंदगी की जंग हार चुका है। SMO मौके पर पहुंचे ने, उन्होंने दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिहड़ी भी कानूनी कार्रवाई है वो डेड बॉडी वापस सौंपन तो पहले जल्द तो जल्द पूरी की जाए ताकि फिर होंदया ही इस कार्रवाई को अंजाम दिता जाए। देख सकते हो कि परिवार दा नाल दुख साझा करते हुए MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਪੁੱਠਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਤੇ।
ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ MLA ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਆਵਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ? ਇਹ ਡੇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ? ਸੇਵਾ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਖੇਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ 4-5-7 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਸ ਤੁਰੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੀ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ MLA ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ,
बच्चे हुण बोध नहीं हन जिन्हां नूं आपां कह सकीए दो चार साल के बच्चे ने उस मतलब संभल जाएंगे वो एक समझदार बच्चे हो चुके ने उस अवस्था पर पहुँच चुके ने जिन्हां नूं ये एहसास है कि उन्होंने पिता की मौत हो चुकी है ते उन्हां वालों उस दुख नूं सहन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। फाजिलका विच हड़ दे पानी विच डुबण नाल एक व्यक्ति की मौत एक बहुत ही दुख भरिया हादसा। परिवार के मैंबर हौसला बताते हुए उन्होंने दुख साझा करते हुए MLA नरेंद्रपाल सिंह सवना कुछ होर केस भी सामने आया है। MLA सवना जी ध्यान च लिया गया है।